नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। इस नवरात्र हमने माँ के कई रूपों पर बात की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रवि शास्त्री जी, इनसे हमने माँ के सभी रूपों पर बात की है, माँ के पहले रूप से लेके माता शैलपुत्री से लेके माँ कालरात्रि तक। लेकिन आठवां स्वरूप जो है वो माँ का बेहद ही सौम्य होता है, महागौरी का स्वरूप। हम आचार्य जी से जानेंगे कि महागौरी की पूजा अर्चना कैसे करें। आचार्य जी, महागौरी बेहद ही सौम्य स्वभाव की माँ कहा जाता है उन्हें, उनकी पूजा अर्चना कैसे करें कि माँ जो है वो प्रसन्न हो जाए इस नवरात्रि। हाँ, महागौरी त्रिचाष्टकम जी, माँ गौरी का रूप आठवां स्वरूप माँ का कहा गया है। माँ गौरी यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी है ना। शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में, देव्या क्षमापन स्तोत्र में लिखा कि चिता भस्मा लेपो, भगवान शंकर जो हैं सो चिता के भस्म में अनुलेपित रहते हैं, सदैव अमंगल दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगदीश्वर कहते हैं, भगवान संपूर्ण जगत के मालिक कहते हैं। भवानी त्वत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, तो क्यों जगदीश्वर कहा रहे हैं, इसलिए कहा रहे हैं कि यह महागौरी के पानी ग्रहण संस्कार के कारण ये उनको फल मिला कि माँ के पानी ग्रहण के कारण वो जगदीश्वर कहलाते हैं। तो महागौरी अत्यंत सौम्य रूप माँ का है और सब कुछ प्रदान करने की शक्ति रखती हैं, विशेष करके संपूर्ण पाप, जो भी हमारा कष्ट शरीर में, धन में, वैभव में जो भी प्राप्त होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाली महागौरी हैं, संपूर्ण पाप को नाश करने वाली महागौरी हैं। ये माँ गौरी को दिव्य श्रृंगार करके, लाल वस्त्र पाटा पर बिछा करके महागौरी की प्रतिमा स्थापित करके और वहाँ पर कलश गणेश की विशेष पूजन करनी चाहिए और गणपति के पूजन के साथ माँ का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए और उस दिन माँ को श्रीफल यानी नारियल और हलवा, माँ को अत्यधिक महागौरी को प्रिय है इसलिए नारियल और हलवा का भोग लगा करके और अपने संपूर्ण पाप के, जो भी छोटा बड़ा जो भी पाप हुआ, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के जो पाप हैं, है ना, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो काया के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा जो भी प्रकार के पाप हो, उसकी क्षमा मांगनी चाहिए माँ से और प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ जो हमसे हुआ उस सबको आप दूर कर दें और मुझे क्षमा दे दें। तो माँ अवश्य ही, चूँकि सौम्य रूप भी हैं और माँ महागौरी हैं, इसलिए सब भक्तों के कष्ट को निवारण कर देती है और पाप को नाश कर देती है। कन्या पूजन का भी पंडित जी इस दिन विशेष महत्व है। हाँ, महागौरी हैं इसलिए कन्या पूजन का भी विशेष महत्व कहा गया है। 8 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष के अंदर जितनी भी कन्याएं हैं इनको महागौरी कहा जाता है। तो 8 वर्ष की महागौरी कन्या को घर में ला करके उनको थाली में पैर धोना चाहिए और फिर सुंदर बिंदी लगा करके पैर में महावर लगाना चाहिए उनका और ऊपर से चुंदरी उड़ा करके और खीर का प्रसाद और हलवा का उनको देना चाहिए और दे करके फिर उनको प्रणाम करके कुछ दक्षिणा देनी चाहिए और दक्षिणा दे करके महागौरी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ जो मेरा कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप है उसको आप दूर करें। और अष्टमी, कहीं कहीं नवमी को भी कन्या जी माने कि नौ कन्या का भोजन का है, अष्टमी को भी है, तो अष्टमी को जो करते हैं वो अष्टमी को करें, नवमी को जो करते हैं वो नवमी को करें। इस तरह से माँ का शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से महागौरी की पूजन करनी चाहिए और संपूर्ण पापों के नाश के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागौरी की पूजा अर्चना कैसे करें, महागौरी जो है बेहद ही सौम्य स्वभाव की माँ कही जाती हैं, तो मन के पापों को, मानसिक विकार, शारीरिक विकार और सभी पापों को जो है वो माँ हर लेती हैं।
तो मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो इस नवरात्र महागौरी से क्षमा मांगना कतई न भूलें, क्योंकि माँ जो हैं बेहद ही सौम्य स्वरूप माँ हैं, वो अवश्य आपके जो पाप हैं उनको हर लेंगी, बशर्ते आप मन से और पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना करें। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।